रिलेटिव्स की शादी है, मम्मी की छोटी बहन की शादी। तो मैं उसने पूछते हैं उसके ससुराल कैसे लगे तुम्हारे को सब? पर मेरी सास को देखो कितना एंजॉय कर रहे हो। तो नाना कहाँ रहते थे? नाना यहाँ पे आगे रहते। Assalamualaikum everyone, welcome back to the new vlog. तो गाइस अब पूरा तैयार वैयार होके ब्लॉग चालू किए, क्योंकि हमारे मैं नहीं हुई हूँ रेडी अभी तक। नहीं हुए? नहीं, तुमने तो मुंह तो धो लिया ना बाकी। हाँ, फेस वॉश करके आई हूँ, रेडी नहीं हूँ। तो गाइस जैसे कि आप लोगों को पता है कि फंक्शन स्टार्ट होने पर मेरी फ्रेंड की शादी नहीं है, ये हमारे रिलेटिव्स की शादी है, मम्मी की छोटी बहन की शादी। तो मैं कभी वो एरिया में दोस्ती की खाला सास है और आयजा की नानी क्योंकि मेरे नाना ने दो शादी किए थे, जो मेरे नाना की दूसरी बीवी की जो बच्चे है उनकी शादी। यस, तो मैं कभी मिली नहीं हूँ आंटी के खानदान वालों से, अंकल के खानदान से भी मिली नहीं हूँ। बढ़िया, मेरा पहला रहेगा वहाँ पर, ब्लॉग हमारा पहला रहेगा, तो आप लोगों को भी मजा आने वाली है, मुझे भी मजा आने वाली है, और दानिश की मेमोरीज जो है वो भी ताजा। क्योंकि मैं नाना जब इंतकाल हुआ ना, उससे पहले से मैं आना बंद कर दिया था, वो जाते ही नहीं थे, मम्मी भी जाते थे, बाकी मैं और तेबा नहीं जाते थे मोस्टली। तो मैं कितने 7-8 साल बाद जा रहा हूँ, ज्यादा ना 20 साल में तो नहीं हुए, 6-7 साल 10 साल 8-10 साल से मैं गया नहीं, तो 8-10 साल बाद अभी जा रहा हूँ। एक दो बार गया था तेजी के घर के पास से निकल जाता था। हाँ, मैं ऐसे के घर पे गए हैं ससुराल से, बाकी हम लोग वो एरिया में तक घूमे भी नहीं। तो आंटी बोले चलो तुम लोग खास, ताकि तुम लोग को सब दिखा सको, पहचान है, सब मालूम पड़े, रिश्तेदार है भी अपने ही है वो। तो हम लोग सोचे क्या, हम क्यों नहीं जाते। तो आज ही हल्दी का फंक्शन, तो मैंने येलो पहन लिया, मेरी बेटी और मेरी बीवी की मैचिंग सेम होना चाहिए, इसलिए मैं वाइट एंड ब्लैक पहना हूँ। वाइल्ड आइसा एंड ब्लैक टू, तो अभी रेडी होते हैं, रेडी। सो गाइस नौशीन लिपस्टिक लगा रही है, क्या लगाई, वैसा खूबसूरत लग रही है, क्या लगाई? पता मैं क्या लगा रही हूँ, फेशियल करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। अल्लाह तुम्हें को गोटी में भी कर लेती नाखो ना, ये है ना मेरा क्योर स्किन। अच्छा, इससे मैं फेस वॉश भी करती हूँ, इससे मेरा क्रीम भी लगाती हूँ, क्योर स्किन का एक मॉइस्चराइजर क्रीम जो कि मेरी फेस को क्लीन रहेगा, मैं वो अप्लाई कर लेती हूँ ताकि स्किन पे पिंपल्स सब आए नहीं। 4 प्रोडक्ट है, अच्छा, इसमें आप दिन रात शाम सब लगा सकते हैं, सबका एक शेड्यूल रहता है, ये टाइम पे लगाएं तो फेशियल करने की जरूरत ही नहीं। तो अच्छा लगता है, माशाल्लाह साइजिंग आ रही है इसमें, माशाल्लाह सब लोग यही पूछते हैं। तो गाइस इसका राज यही है कि और स्किन करके एक ऐप है, जिसमें आप लोगों को डॉक्टर कंसल्ट करते हैं, आपकी स्किन के बारे में आपसे पूछते हैं। तो एक योर स्किन एक ये ऐप है, जिसमें आपको फेस वॉश मिलता है, क्रीम्स मिलती है डे नाइट की, और मॉइस्चराइजर आपकी मिलती है, हम लोग जैसे एच वाले की मिलती है, सबकी मतलब फोटोज वगैरह मंगा देना। हाँ, मैं पापा को पूछू के बोले तो मंगा देंगे। तो गाइस क्योर स्किन ऐप एक ऐसा ऐप है जो आप लोगों को डॉक्टर्स के साथ साथ प्रोडक्ट भी देते हैं। तो क्योर स्किन ऐप कैसा डाउनलोड करना है मैं आप लोगों को बताती हूँ, प्ले स्टोर पे मिलेगा, तो आप लोग वहां से डाउनलोड कर सकते हो। डाउनलोड करने के बाद वो आपसे पूछेंगे लॉगिंग करने, लॉगिंग के बाद स्किन प्रॉब्लम या हेयर प्रॉब्लम दोनों में से एक प्रॉब्लम आपको है तो वो आप लोग कर सकते हो। तो मैं तो स्किन की थी, स्किन के अंदर पूछते आपको डार्क सर्कल्स है, पिगमेंटेशन है, और या तो डार्क स्पॉट्स है, पिंपल्स, एक्ने, जो भी आपको तकलीफ है आप लोग को बता सकते हो। तो मैंने मेरे हिसाब से बताई थी, भी डॉक्टर से बात की थी, डॉक्टर ने मुझे क्वेश्चंस किए थे, मैंने क्वेश्चंस का आंसर दी थी। फिर वो मांगते हैं फोटो आपकी स्किन की, ताकि आपकी स्किन पे उनको प्रूफ दिख जाए कि हाँ ये चीजें उधर एनालाइज हो जाती है। तो वो होने के बाद मुझे मिल गए थे ये 4 प्रोडक्ट्स, और 4 प्रोडक्ट के साथ गाइस ये प्रोडक्ट्स तो मिल जाते हैं, बट इसको यूज कैसा करना है मैं आप लोगों को बताती हूँ। तो यहाँ पर है स्कैनर, तो यहाँ पर अपन क्यूआर कोड स्कैन करेंगे, तो स्कैन करने के बाद ये प्रोडक्ट्स के डिटेल्स आ जाएंगे, डिटेल्स के अंदर सर एमएल लिखा रहता है कि कितना आपको पंप यूज करना है आपके फेस पे, वो हिसाब से आपको यूज करना पड़ेगा। तो गाइस क्योर स्किन इसलिए अच्छा है क्योंकि आप लोग रिजल्ट देख सकते हो मेरे फेस पे, और इसका मैं आप लोगों को आईडी बताती हूँ, उसमें कितने लोगों को फर्क पड़ा है वो सब पूरी वीडियोस भी है उसके अंदर। तो जाओ जल्दी जाके उसको बाय करो, इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आंटी बताओ ये प्रोडक्ट कितने का होगा? 3-4 हजार का होगा। नहीं, यही तो बात है इसकी, क्योर स्किन के लिए 1500 में आपको अच्छा भी देता है, डॉक्टर बात भी करते हैं। तो अच्छी बात है ना, अभी तो 5000 तो खराब स्किन खराब हो जाती है, खराबी तो डॉक्टर के पास भी नहीं पिंपल्स के लिए जाते, तो 4000 ज्यादा अच्छा बोले जा रहे। और इसमें मेरा कूपन कोड यूज करेंगे नौशीन 100, तो आप लोग को फ्लैट 100 का और डिस्काउंट मिल जाएगा, अच्छा लगेगा ना। वैसे 1000-2000 तो पास से तो ऑफिस आ रहेगा घर में। हाँ, जो हो जाती है और ऑफिस से फिर मैसेज करते हैं
आपका ऑफिस से ट्रीटमेंट चालू करना है तो फिर ऑफिस अपने सही बात है। अच्छा, सो गाइस, नौशीन बहू होने का फर्ज निभा रही है, मेकअप आर्टिस्ट का, मेकअप आर्टिस्ट है तो गाइस सबको मेकअप कर रही है। दादी अच्छे कर ले तेरे पहले, यहाँ सिद्धांत के दादी के साइड में मम्मी को जलन हो रही है, बोले मेरे को मैं गोरी नहीं, मम्मी ऐसा मैं गोरी हूँ ना, मेरे को मेकअप करने का जमता ही नहीं है ना मम्मी। अभी देखता हूँ आफ्टर 5 मिनट लेटर। सो गाइस, आफ्टर 5 मिनट बाद मम्मी ने मेकअप कर ली है। मैं बोला था तुम करेंगे, मैं मालूम था तुम करेंगे। हाँ, फाउंडेशन नहीं लगा। तो क्या लगा? सिर्फ ब्लशर और हाइलाइटर। अच्छा चलो ठीक है, तुम देखे देखे तुम बोलते यार मेरे को भी करो, मेरे को भी करो। हाँ चलो सही है, अरे एकदम जवान दिखता है बाकी तुम तो एकदम। एक सदमा हो चुका है, नौशीन की चप्पल टूट चुकी है। देखो गाइस बेचारी शादी में लंगे पड़ जाएगी क्या, और नहीं चिपकी तो जैसा हड्डी गल जाती है। चलो गाइस, मम्मी लोग नीचे भाग गया क्योंकि ओला आ चुकी थी, इसके लिए भी हम उतर नीचे आप लोगों को मिलता गाड़ी में। सो गाइस बेचारी देखो चप्पल ले ले गए, ये चप्पल चोर, ये चोर चोर मेरे घर से चप्पल चोरी करी क्या तूने? हाँ देखा मैंने। हाँ नौशीन, हाँ तो तुम्हारे तो पूरी दुकान दिला दूँ मैं, बाकी पैसा तुम दे देना। हाँ डीट निकल जा रही है ना बराबर। और गाइस हमारी ओला खड़ी है, देखो उधर चलो नहीं जाएंगे। हम लोग फाइनली निकल गए तो ट्रैफिक में, हम लोग 6 बजे से निकले और अभी तक 8:30 हो गए। हम लोग कार के अंदर इधर पेट्रोल खत्म हो गया, गैस खत्म हो गया, तो अभी वो कार में गैस चढ़ा रहे, थकान हो गई। कौन बोला ट्रेन का? मैंने ट्रेन का ही बोले थे। चलो अभी कुछ खाते हैं, भूख लगी है बहुत जोर से। यहाँ पर पहली बार आइजल इतनी बड़ी हुई है तो कार में इतना समझदारी से बैठी और इंजॉय कर रही कार में, वरना हमेशा से सोते रहती थी। क्या हुआ, कैसा इंजॉय कर रहे हो आप? हाँ देखो ना, वो आगे पीछे हो रही है, समझ आ रही है, समझती है ना अभी। आगे से भी गाड़ी दिख रही, पीछे से भी दिख रही, यहाँ पर समझ आ रही है। कहाँ घूम रहे हो? बस वापस ऊपर जाना है। फाइनली हम लोग लोकेशन पे पहुंच चुके हैं और यहाँ पर देखो तो पूरा चौल टाइप है, मतलब मेरे को मेरी गांव की याद आ गई कि मंडप बांधते हैं, सब सब होता है फंक्शन यहाँ पर। हाँ ये फर्स्ट, मैं पहली बार देखी कि जब टावर दिख रहे थे बोरीवली में, बट ये सब नहीं दिख रहा था। ये टावर बन जाएगा इधर भी, टूटते एंडिंग में, नहीं तो फिर दिसंबर की स्टार्टिंग में ये चौल टूट जाएगा। अच्छा, यादें भी चले जाएगी सब पुराने। मम्मी बोले तुम आ जाओ देख लो, मेरी मम्मी की डैडी मम्मी की तो नाना कहाँ रहते थे? नाना यहाँ पे आगे रहते, यही चौल में। अच्छा वावड़ी है उधर। अच्छा मतलब मम्मी भी वहीं रहते थे शादी से पहले? शादी से। चलो देखते हो सब भी चीजें याद रहेगी। हाय इब्राहिम, इब्राहिम हाय, मामी के ब्लॉग में कितने टाइम बाद आया ना तू? हाँ इधर तो ये भागती है, चिल्लाती भी है, मारती भी, अब तो दांत भी आ गए उसके, काटेगी अब तो। देखो तेरे तो चले गए, हाँ इसके दांत तो टूट गए। और गाइस इधर अरकान भी, हाय अरकान, कितने टाइम बाद आया तुम हमारे ब्लॉग में। अरे नहीं इट्स ओके, चलो हम लोग लेने आए तुम लोग को। कैसे हो? अच्छे तो कैसे? वो भी बोलना पड़ता है क्या? उसको याद नहीं है यार, बेचारा माहौल में नहीं रह पा रहा है अपने इसके लिए सब भूल गया। चलो 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 यार, तो गाइस चलो दानिश और आइजल तो आगे निकल गए और आंटी भी आगे निकल गए, अभी हम लोग को ज्वाइन करते हैं। आइजल 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 कौन है? अरकान भाई, पहले से पहचान लिया, नहीं चाहते किसी के गोद में देखे कैसा गई अरकान के गोद में? अरकान के गोद में देखो कैसा गई वो, पहले से पहचान ली। मेरे को गाड़ी में घुमाता था,
डर गए, अभी डर गए। अभी यहाँ पर अपनी सब चीजें बता रहे कि उनके अब्बा का क्या क्या था, कैसा रहते थे, क्या आंटी कौन सा घर है, बाहर से दिखेगा क्या। अच्छा तुम इसकी कहानी बता रहे थे, बावड़ी उछल के मैं अंदर गया, उनको लेके आया, तुम थे भी नहीं। ये बावड़ी पूरी पानी की पूरा ढाक वाक दिए सब, मंदिर भेदभाव नहीं था कभी भी, मंदिर है कहाँ पर, ये जो ना जो मंदिर बहुत बड़ा मंदिर था, अभी मतलब बंद हो गया। अच्छा मस्जिद थी तो कभी ऐसा नहीं कि हिंदू मुस्लिम कुछ भी, हम लोग उन लोगों के त्यौहार में मतलब फ्रेंड लोगों ने लगता है यहाँ पर क्या नाना का। तो गाइस ये दो जो गेट दिख रहे, पहले एक ही गेट था और बहुत बड़ा घर था, घर रहते थे, ये ऊपर भी एक जो सीढ़ी है जाने के लिए, दादी माँ ने बसाए थे, मेरे अब्बा ने दादी, हाँ पुप्पी का घर है ना, मेरे को पुप्पी के घर में थी। अच्छा अच्छा देखो कैसा कर दिया ना, अभी टावर, अच्छा हाँ चलो चलो देखते घर। तुम्हारा क्या बचपना है इधर, इधर का ना क्या घूम जाते थे, हाँ इधर का इधर का उधर का सबको सिंगल रूम थे। अभी जाके मतलब शादी हो गई, सब फैमिली बन गई, तो ये मम्मी है और वो भाई तो गाइस ये पूरा, तो गाइस मैं ऐसा दिखाती हूँ, ये यहाँ पर किचन है छोटा सा, अच्छा पूरा चेंज हो गया। हाँ ये नहीं थी, अच्छा छोटा सा मामा के घर में, तो गाइस आंटी बोले यहाँ से पूरा ब्लॉग ले, देखो ये पूरा घर है, ये ना तो गाइस ये मेरे रुके रहे फ्रेंड्स, हां खाली करते ना भी ये महीना लास्ट है ना, लोग का तो खाली करते तो उन्हें मिले ना भी, हां हां आंटी को मजा आ गई बोरी वाली आके, अब बारी है खाना खाने की, तो आप लोगों ने स्टेज पे तो देखे थे, हम लोग पूरी फैमिली खड़ी थी, अभी आ गए हैं खाना खाने की बारी, तो यहाँ पर उनकी पहले बोले घर में खा रहे थे, मैं बोली नहीं वो मंडप में बैठ के खाने का कैसा फील आता है देखू ना, है ना यो मंडप, बट यहाँ पर कुर्सी नहीं है, नीचे बैठना पड़ेगा और साथ में थाली के अंदर खाते ना वो मजा आती है, खराब है हम तीन ही एक थाली में बैठने वाले, दो लोग और ज्वाइन करेंगे, नमाज कितने टाइम की थी, पाँच ना, तो लोग भी पाँच लोग ही बैठे, अच्छा सही बात, ठीक है चलो, ऐसा होता है, ऐसा होता है खाने में जो आया ना जिसका उसके नसीब है, चल अपन पाँच बैठ जाते, तो दुआ कर लो, मेरे को बोटी कोई नहीं यार, खा लेंगे और क्या, एक सी फील लेना है बैठ के, चलो उनकी फील अच्छे से लेना, हाँ गांव की याद आ गई ये देख के, मंडा वंडा बांध के थाली में खाना खाओ, खाना हो जाए उसके बाद दरबा वगैरह खेलेंगे, दरबा मजा आएगी, ठीक है। तो गाइस यहाँ पर डिस्कशन हो रहा है जेंट्स में खाएंगे लेडीज में खाए, हाँ एक ही साथ मंडप में एक ही थाली के अंदर बैठ जाते, वही एक ही थाली में अपन छह लोग बैठ जाते, अरे हो गया कम्प्लीट, अपन तो घर वाले ही है ना, खाने से मतलब है भाई, अच्छा देखो नहीं नहीं तभी फील नहीं लेने का, अरे हाँ साथ में ही बैठते ना, क्योंकि मेरे को थोड़ा वो हो गया अजीब लगेगा, हाँ इसके बाद अपन सब साथ नहीं बैठ गया, तो कोई को मारे भी नहीं पड़े किसने कितना खाया है,
आशी भाई बोला मेरी गायब होते जा रही है, खुद नहीं जा रहे तुम। चलो चलो चलो, तलवार मेरी गर्दन पे रख के दामाद पहले जाएगा आगे। हमारा नेता कैसा फाइनली हम लोग बैठ चुके हैं खाना खाने के लिए। फाइनली लोग को हम लोग ने बोल दिए, क्या बोले कैसा कैसा सब बैठ गए बेचारे लोग। हाँ ऐसा भाई बोटी बटा रहे सब नौसिंह के, समझ गए। चलो चलो जल्दी आ जाओ खा लो, चलो चलो खाओ खाओ तो खाओ खाओ। चलो गाइस खा लो। क्या बोले घी सस्ता है यहाँ पर? घी सस्ता है, अच्छा है ना। सो गाइस चिकन पुलाव आ चुका है, जो नौसिंह एकदम फेवरेट है ना नौसिंह। हाँ ले ली उसने, पहले ही ले ली गाइस, देखो सब ले ली उसने, सब सब बोटी बटाटे सब नौसिन ले रही है। देखो गाइस तहसीन तू तो बीमार थी ना, हल्दी में आके खेलने। चलो ठीक है, चलो 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 खा लो, फिर बाद में मिलते ना। चलो खा पी के आ चुके हैं, अभी नौसिन से पूछते हैं उसके ससुर वाले कैसे लगे। नौसिन कैसे लगे तुम्हारे को सब? बहुत अच्छे, सब अच्छे ने चेक किया, बहुत इज्जत दी है, बहुत अच्छा लगा। मतलब पहली बार आया इतना घुल मिल गए सबसे, सही बात है, सही बात। सो गाइस ऐसी होता है क्योंकि सब अच्छे ही होते दिल के, बाकी बात करने वाला होना चाहिए ना। सही बात है, अपन अच्छे लगे तो सामने वाला के अच्छा। हां सही है। चलो खाना कैसा लगा? खाना एकदम बढ़िया था, मजा आ गई। हां हां हां, नौसिंह बहुत पसंद है पुलाव। पुलाव मीठा भी एक नंबर था, पुलाव तो अपने एरिया से और लोग बनाते हैं ना, लोग वो भी अच्छा है, कचूमर भी अच्छा है। घर में बनाते हैं, अच्छा है ना खाना? नहीं खाना बढ़िया रहेगा। चलो गाइस कोई ना, भी डांडिया वंडिया आएगा आप लोगों को थोड़ा बहुत दिखाई, जिसमें नौसिंह डांडिया को, नौसिंह को डांडिया सिखाएंगे। हाँ है ना, तो को सिखाएंगे, ये तो प्रोफेशनल लोग हैं भाई। हाँ नच देने सारे, टेबा को नहीं आता, टेबा को इंग्लिश डांस आता है, हिंदी नहीं आता है, बस आई तुमको नहीं आता। हाँ चलो चलो गाइस अब मिलता है आपको, अभी अभी नहीं कर पाते हो बहनों के साथ, देखते ना बहुत बोलते थे ना पहले, मैं खेलती थी आज देखते ना। चलो ठीक है, सबको एक ही बार में यू कर देंगे वो। चलो हाँ डांडिया चालू हो गया, नौसिन तैयार हो गया, मेरी बेटी को ऐसा लेके नाच रही है। हां ऐसा ही एक स्टेप है, एक स्टेप है ऐसा भी है ना। हां चलो 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 चलो, हाँ चलो। अरे मम्मी हेलो, मेरी शादी का याद आ गया, अबे अभी गरबा आने वाली है, दया आने वाली है, दया आई आई दया, चलो 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 जाएंगे। चलो सो गाइस यहाँ पर मेरी सास को देखो कितना एंजॉय कर रहे। फटक पैर चल रहे एंडिंग है। सही बात है, सही बात। उनको उनकी खुशी हो गई होती है, अपने को भी एक्साइटमेंट हो गई है। अकेले अकेले क्या करना है हमारे पे? आइजल 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 लो, क्या कर ले लो, कैसा गुना हो रही है, गुना आ रही है वो देखो ना उसका। सबको एक ही स्टेप आता है, उसका सबको है ना मिला जुला के एक ही स्टेप आता है। गाइस अभी फाइनली हम लोग जा रहे हैं हमारे घर पे, तो नौसिंह क्या ले रहे हो तुम इधर? मेलोडी। मेलोडी इतनी चॉकलेटी क्यों होती? क्यों तो क्यों होती है? मीठी होती है, मीठी नहीं चॉकलेटी होती है। तुम चॉकलेट होना इसके लिए घर। चलो तो ब्लॉग को इधर ही एंड करते हैं। और गाइस आप लोग कल एक और सरप्राइज देखना देखने मिलने वाला हमारे ब्लॉग के अंदर। चलो ठीक है गाइस, ब्लॉग को एंड करते हैं इसी के साथ। तो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब।